चारों ने एक साथ फिर मेरे भाई के सर पे बंदूक तान दी और कहीं गाँव में लेकर उसको घुटने के बल बैठा करके उससे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज दी, उसको मारा पीटा और बोला कि भाई तेरी सुपारी आई हुई है, या तो तू इसके पैसे दे या तो हम तेरे को मार के जो हमारा सुपारी का पैसा है वो हम ले लेंगे। मैं जैसे फैक्ट्री पे पहुंचा तब जैसे ही वहाँ मैं गाड़ी से उतरा ही तो इतने में जो हमारा बंदा है ड्राइवर ही है नासिर, उसने मुझे बताया कि भाई जो है कोई कुका डॉन के साथ में बैठ के चला गया है गाड़ी में और उसके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं भी चिंता में आ गया इतनी देर में, फिर जैसे मैं थोड़ा कामकाज में लगा उसके बाद में भाई का तुरंत फ़ोन आता है मुझे करीब आधे से एक घंटे बाद में। उसने बोला भाई कोई प्रॉपर्टी का सौदा आया है अर्जेंट में, कोई कुर्की हो रही है और ना उसको आधे पैसे देंगे तो अपने आज ही अपने नाम हो जाएगी, और यूँ करके 20 लाख रुपए मुझे तुरंत अरेंज करके जल्दी अरेंज कर, और जितना जल्दी अरेंज करेगा उतना जल्दी मैं फैक्ट्री पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने उसको सवाल जवाब भी किया भाई इतनी जल्दी एक साथ इतने पैसे का व्यवस्था कैसे होगी, पर उसने बोला नहीं तू जल्दी कैसे भी करके अर्जेंट है तू कैसे भी करके जल्दी व्यवस्था कर। फिर मैंने थोड़े बहुत कुछ पैसे मेरे पास थे थोड़े मेरे पापा से अरेंज किए, थोड़े दो दोस्तों से अरेंज करते हुए एक घंटे के अंदर करीब वो मैंने पेमेंट की व्यवस्था बना ली। नासिर जो मेरा है फैक्ट्री का मेन बंदा उसको मैंने घर भेजा, वहाँ से वो बैग लेके आया, और इतने में थोड़ी देर बाद में मैंने भाई को सूचना दी कि भाई वो पैसे आ गए। तो उसने बोला ठीक है तुरंत नासिर के हाथ में फैक्ट्री से बाहर वो भेज और ये थोड़ा आगे जा करके उसको देखा, तब उन्होंने भाई को छोड़ दिया। ये सारी घटना हमारे सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैद है। अच्छा तो कहाँ पर आपकी फैक्ट्री और कौन था ये अपराधी और कहाँ ले गया था? हमारी फैक्ट्री ये सोमलपुर रोड पर स्थित है और बखरा मंडी सोमलपुर रोड में है, और इस अपराधी को भाई हम इतना गौर नहीं जानते क्योंकि हम लोग हमारे काम से काम ही रखते हैं। एक दो बार ये बीच में आया था फैक्ट्री पे कभी बहाना करके भी मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं है कुछ नहीं है इस प्रकार से, और इसके बारे में हमें जितना भी सुना ये सब यही बोलते थे कि भाई ये इधर का डॉन है इसके ज़्यादा मुँह मत लगा। आदतन अपराधी? हाँ अपराधी है। फिलहाल अभी क्या मौके पर स्थित है, आप कहाँ पहुँचे, थाने पर शिकायत की? जी थाने पर शिकायत कर दिए, भाई तो मेरा सुबह दिन में आ गया था थाने पर शिकायत कर दिए। मैं अभी मेरा 20 लाख उन्होंने ले लिए। हाँ वो कितने लोग थे सर? वो पहले तो एक कुका खुद ही था, फिर बाद में तीन जने पीछे मोटरसाइकिल पे आए, एक जना उसमें बैठ गया और दो जने फिर आगे जा करके गन पॉइंट पे अपन करा गया। हाँ गन पॉइंट पे, और दो जने आगे जाके चंदवाला चौराहे पे वो चारों के चारों शामिल हो गए और चारों ने एक साथ फिर मेरे भाई के सर पे बंदूक तान दी और कहीं गाँव में लेकर उसको घुटने के बल बैठा करके उससे अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज दी, उसको मारा पीटा और बोला कि भाई तेरी सुपारी आई हुई है, या तो तू इसके पैसे दे या तो हम तेरे को मार के जो हमारा सुपारी का पैसा है वो हम ले लेंगे। थाने में शिकायत दी थी आपने? हाँ सर बिल्कुल थाने में शिकायत। क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है मामला थाने में? जी सर प्रोसेसिंग में चल रहा है। आप क्या लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई लगता हूँ। क्या नाम है आपका? ललित मनकानी।